एनसीसी कैंडल भारत का अच्छा नागरिक बन सकता है, सीईओ ओपी राय। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से खान अहमद जावेद की विशेष रिपोर्ट। जनपद मुख्यालय पर प्रसिद्ध पीजी कॉलेज के प्रगाण में 92 यूपी बटालियन एनसीसी गाजीपुर द्वारा छात्र सैनिकों को 3 दिवसीय शिविर कैक 292 का समापन हुआ। इस अवसर पर बटालियन के कमान अधिकारी कलर ओपी राय ने बच्चों से कहा कि इस अवसर के माध्यम से एनसीसी के बच्चों को पूर्ण रूप से देशभक्ति भावना पैदा करता है। यह शिविर कमान अधिकारी कर्नल ओपी राय के नेतृत्व में 3 दिन तक चला। एनसीसी सैनिकों को ड्रिल व ट्रेनिंग दिया गया, जिसके पश्चात 22 राइफल भी खोलने और जोड़ने की तकनीक सिखाई गई। प्रत्येक दिन दोपहर के बाद स्वस्थ एवं स्वच्छता पर व्याख्यान देकर छात्र सैनिकों को अपने स्वस्थ के प्रति जागरूकता किया गया। कप्तान अधिकारी ओपी राय के नेतृत्व में शिविर में मौजूद एनसीसी सहयोगी अधिकारी डीआर सिंह, लेफ्टिनेंट राजेश कुमार यादव, लेफ्टिनेंट शकील अहमद सुबेदार, मेजर डीबी सिंह एवं सभी पीआई स्टाफ अपने काम को बेखूबी अंजाम दिया। शिविर में मौजूद बच्चों ने बताया कि हमें बहुत कुछ सीखने को अवसर प्राप्त हुआ है। जनरली हम कैंप के दौरान कई सारे कॉम्पिटिशन कराते हैं, इस बार उतने कॉम्पिटिशन नहीं करा पाए हैं। सिर्फ हमने एक ड्रिल का कॉम्पिटिशन किया है, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग। उसमें भी नेवल के बच्चों का पार्टिसिपेट नहीं करा पाए, क्योंकि इनके कैंप का क्लियर होते होते काफ़ी समय गुजर गया था। एक्चुअल में इनके कैंप का सेंक्शन हमें अगले कैंप में था, 10 तारीख से 14 तारीख तक, लेकिन किसी कारणवश कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से इन लोगों ने ये कैंप अटेंड कर लिया। इंडिविजुअल कंपटीशन हमने ड्रिल का किया है। इंडिविजुअल ड्रिल कैंप कंपटीशन में जिन कैडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले पीजी कॉलेज में सर जो 3 दिवसीय कैंप चला है सर, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पीजी कॉलेज में जो 3 दिवसीय वार्षिक कैंप एनसीसी के बच्चों का चला है, उसके जरिए हमारा यही संदेश है कि बच्चों को पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए और एनसीसी ज्वाइन करके कैंप में सफलतापूर्वक कैंप कंप्लीट करें और एनसीसी के जरिए कैंप सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करके सर्टिफिकेट एग्जाम जो ए, बी और सी होता है उसको क्वालिफाई करें, पास करें तथा एनसीसी के माध्यम से किसी भी डिफेंस फोर्स या डिफेंस सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हों और देश की सेवा करें, डिफेंस में ज्वाइन करें। फौज हो, मिलिट्री हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, बीएसएफ हो, या अगर डिफेंस की तरफ नहीं भी जाते हैं तो एक देश के अच्छे नागरिक बने, ताकि कल को देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, देश का विकास होगा, अपने जिले का विकास होगा, एनसीसी का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद सर।